क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू टॉपिक एंटी ड्रग्स, जो कि पार्ट रहेगा हमारा by, मतलब के क्या होते हैं ऑप्शन है ए बी सी और डी जो भी आपका आंसर है अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके वीडियो को रिप्ले करो अपने आंसर को चेकआउट करने के लिए so, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एपिलेप्सी के, के तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी देखिए एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देखते हैं तो हमारे पास एपिलेप्सी ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हमें एक तरीके की मसल हाइपर एक्टिविटी होती है और बेसिकली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट्स होती है मसल्स की मतलब मतलब कि इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर आप सोए हुए हो कभी कभार आपको सपना आ जाता है कि मैं कहीं ऊंचाई से गिर गया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसे एक एक शॉक सी मूवमेंट आ जाती है आपकी बॉडी में और वो आपको जगा देती है तो उसी तरीके की मूवमेंट जब आपकी अनकंट्रोल हो जाए और बार बार आए उसे हम एपिलेप्सी बोलते हैं एपिलेप्सी में देखिए अगर हम देखें ज्यादातर हमारी ह्यूमन बॉडी में दो तरीके के पार्थवेज जनरेट होते हैं आईपीएसपी और ईपीएसपी आईपीएसपी होता है हमारा पोस्टिक पोटेंशियल और ईपीएसपी होता है हमारे पास जो आईपीएसपी है हमारे पास वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में सिडेशन प्रोड्यूस करने के लिए जैसे कि और वो हमारे पास मेनली हो गए क्लोराइड चैनल्स या क्लोराइड आइंस जो हमारी बॉडी में सिडेशन प्रोड्यूस करेगे जो हमारे सीएल नेगेटिव चैनल जो हमारे पास सोडियम और कैल्शियम चैनल है ये डिपेंड ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है ईपीएसपी जनरेट करने को जिसका मतलब होता है एक्साइटेटरी पोस्ट पोस्सेनेप्टिक पोटेंशियल एक्साइटेटरी पोस्ट पोस्सेनेप्टिक पोटेंशियल अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए तो एपिलेप्सी की कंडीशन प्रोड्यूस होती है एपिलेप्सी की कंडीशन में हमारे पास बेसिकली अनकॉन्शियसनेस इन इररेगुलर मसल मूवमेंट्स और मसल हाइपर एक्टिविटी जैसी कंडीशन शो होती है और अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर थोड़ा सा डीप जाके देखें तो आईपीएसपी और ई ईपीएसपी में हमारे पास डिसबैलेंस प्रोड्यूस होने लग तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अब अब क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं जो कि है एपिलेप्सी इज इंडिकेटेड बाय ऑप्शन ए इंक्रीज सोडियम कंटेंट ऑप्शन बी इंक्रीज क्लोरीन कंटेंट क्लोराइड कंटेंट ऑप्शन सी डिक्रीज सोडियम कंटेंट और ऑप्शन डी इंक्रीज क्लोराइड कंटेंट आंसर है हमारे पास इंक्रीज सोडियम कंटेंट क्यों है देखिए जरा एक्सप्लेनेशन को देखते हैं देखिए हमारे पास जैसे कि मैंने आपको अभी बताया एक होता है हमारे पास आई पी एस पी क्या होता है आई पी एस पी और दूसरा होता है हमारे पास ईपीएसपी क्या है हमारे पास ईपीएसपी ठीक है आईपीएसपी मतलब पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जब हमारी बॉडी में क्लोराइड का कंटेंट बढ़ जाएगा किसका कंटेंट बन जाएगा क्लोराइड आयन का कंटेंट बढ़ जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी बॉडी में सिडेशन प्रोड्यूस होती है क्या प्रोड्यूस होती है सिडेशन प्रोड्यूस होती है सिडेशन मतलब ड्रॉसिनेस या फिर आपको नींद आती है तो इसलिए वो क्या हो गया इन पोस्ट सैनेप्टिक पोटेंशियल और जो न्यूरोकेमिकल्स केमिकल्स पोस्ट बेटरी पोटेंशियल को हमें प्रोड्यूस करके देते हैं वो हमारे पास बेसिकली हो गए हमारे पास गाबा कौन से हो गए हमारे पास गाबा हो गया ठीक है डोपमिन हो गया कौन सा हो गया डोपामिन हो गया और हमारे पास हो गया ग्लाइसिन ये मेजर है जो कि हमारे क्लोराइड चैनल के क्लोराइड सॉरी क्लोराइड कंटेंट को बढ़ाते हैं हमारे सेल में ईपीएसपी का मतलब हो गया इन या फिर एक्साइटेटरी पोस्ट पोस्टिक पोटेंशियल एक्साइटेटरी पोस्ट पोस्टिक पोटेंशियल में हमारे पास सोडियम हो गया पोटेशियम हो गया कैल्शियम हो गया इनका जो कंटेंट है वो सेल के अंदर बढ़ जाएगा जब इनका कंटेंट हमारे सेल के अंदर बढ़ जाता है तो ये हमें अवेकिंग या फिर एक्साइटेशन प्रोड्यूस करते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं एक्साइटेशन जैसे मसल की अगर मैं बात करूँ तो मसल में ये कॉन्ट्रेक्शन प्रोड्यूस करें

हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एपिलेप्सी में अनकॉन्शियसनेस आती है लेकिन उसमें हम क्लोराइड चैनल का इतना रोल नहीं रखते हैं इसलिए हम ज्यादातर सोडियम चैनल्स पे ही ध्यान देंगे क्योंकि यही ईपीएसपी जनरेट करे और हमारी जो एपिलेप्सी की कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन है वो है हमारे पास मसल मूवमेंट या फिर अनकंट्रोल्ड मसल मूवमेंट तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर टू का आंसर था ऑप्शन नंबर ए दैट इज इंक्रीज सोडियम कंटेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीजर टाइप दैट इज लेस देन अ सेकंड इज ए बी सी और डी जनरलाइज टॉनिक टॉनिक्लॉनिक एबसेंट सीजर माओक्लॉनिक और पार्शियल सीजर्स आंसर है हमारे पास माओक्लॉनिक सीजर क्यों है माओक्लॉनिक सीजर जरा ध्यान से देखते हैं सीजर का मतलब हमारे पास यहाँ हो गए दौरे या फिर अनकंट्रोल्ड मसल मूवमेंट्स उन्हें हम बोलेंगे सीजर्स तो हमारे पास एपिलेप्सी में बेसिकली हम सीजर्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस टाइप का सीजर आया और उसके लिए कौन सी ड्रग आएगी हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को एंटी कन्वल्सन ड्रग्स भी बोलते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे एपिलेप्सी में अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊ पूरा डिफ्रेंशिएशन के साथ तो हम डिफ्रेंशिएशन के साथ कुछ इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास जो सीजर्स होते हैं क्या हो गए हमारे पास एपिलेप्सी में जो सीजर्स हो गए मेनली हम सीजर से इंडिकेट करेंगे सीजर्स हो गए वो दो टाइप्स के हो गए सबसे पहले हो गए हमारे जनरल सीजर्स क्या हो गए हमारे जनरलाइज्ड कौन से हो गए आपके जनरलाइज और दूसरे आपके कौन से हो गए पार्शियल सीजर्स कौन से हो गए आपके पास सेकंड नंबर पार्शियल सीजर्स तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमें पता लग गई अब इनमें क्या चीज डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं देखिए जो जनरलाइज सीजर्स होगा उसका एक पूरी बॉडी पे ज्यादातर एक्शन होगा मतलब पूरी बॉडी पे एक Uh, पूरी बॉडी पे या फिर कुछ एक इंपॉर्टेंट लोकलाइज एरिया पे खास ही एक्शन होगा पार्शियल में हमारे पास जो एक्शन ड्यूरेशन रहती है वो काफी कम समय के लिए रहती है बेसिकली दोनों एक्शन ड्यूरेशन से ही हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास जनरलाइज सीजर है जो हमारे पास जनरलाइज सीजर है जनरलाइज सीजर के फर्दर पास्ट वार्ट होते गए फर्स्ट हो गया आपके पास टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स कौन से हो गए टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स हमारे पास बेसिकली इसमें हमारे पास मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस होती है और लेस देन थर्टी मतलब थर्टी मिनट्स के अंदर अंदर ये थर्टी मिनट्स तक ये जो हमारे पास सीजर है या फिर मैं बोलूँ दौरे देशी भाषा में बोलूँ तो दौरे जो वो होते हैं वो थर्टी मिनट्स तक लास्ट करते हैं और बेसिकली इसमें हमारे पास जो रिलैक्सेशन पीरियड है वो वन टू टू मिनट्स का रहता है तो हमारे पास यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस भी है और मसल मूवमेंट्स भी होगी यहाँ पे इरेगुलर मसल मूवमेंट्स सेकंड है हमारे पास एबसेंट सीजन कौन सा सीजर एब्सेंस सीजर हम जनरलाइज में ही बात कर रहे हैं एब्सेंस सीजर में हमारे पास एब्रप्ट लॉस मतलब कि बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए हमारे पास कॉन्शियसनेस का लॉस होता है और यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी कम हो जाती है क्या होती है मूवमेंट या फिर एक्टिविटी कम हो जाती है और ये भी हमारा थर्टी मिनट्स तक लास्ट करता है ये भी इंपॉर्टेंट चीज क्लियर होगी सी हमारे पास नेक्स्ट क्या है मायोक्लोनिक सीजर जो कि इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है मायोक्लोनिक सीज मायोक्लोनिक सीजर्स हमारे जनरलाइज सीजर्स का एक ऐसा टाइप है जो कि लेस देन अ सेकंड होता है या फिर सेकंड्स के अंदर होता है हमारे पास मायोक्लोनिक सीजर में आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर जैसे कि आपको कभी शॉक लगा होगा मतलब कभी कुछ काम कर रहे हो बिजली का छोटा सा शॉक लग जाता है वैसे शॉक टाइप मूवमेंट्स यहाँ पे कॉन्करेंट मूवमेंट्स शो होती है उसे हम बोलते हैं मायोक्लोनिक सीजर्स ए सीजर्स जो नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन डी जो कि है हमारे पास एटोनिक सीजस एटोनिक सीजर्स में हमारे पास बेसिकली एक एनेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होती है मतलब मूवमेंट एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है और नेक्स्ट इसमें है फेब्राइल सीजर्स कौन सा सीजर्स फेब्राइल जो कि हम ज्यादातर नियोनेट्स या फिर हम जो न्यू बॉर्नस है उनमें देखने को मिलते हैं और इसकी डी होती है हमारे पास डायजीबॉम रेक्टल रूट से दी जाती है नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्शियल सीजर्स की तो पार्शियल सीजर दो टाइप से होते हैं एक होता है हमारे पास सिंपल पार्शियल सीजर और दूसरा होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजे कौन सा होता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर तो ये इंपॉर्टेंट सीजर के टाइप्स हो गए हमारे पास पार्शियल के केस में तो पार्शियल सीजन में हमारे पास क्या होगा जो हमारे पास सिंपल पार्शियल सीजर है ये डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर किसके ऊपर लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा और ये 20 से 60 सेकंड तक की इसकी लेंथ होती है लेकिन एक पार्शियल सीजर में एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास जो इंडिविजुअल है वो क्या रहता है हमारे पास कॉन्शियस स्टेट में रहता है कौन से स्टेट में रहता है कॉन्शियस स्टेट यहाँ पे हमारे पास जितने भी सीजर्स थे तो ये सारे हमारे पास किस तरीके से थे अनकॉन्शियस स्टेट में आ गए थे कौन कॉन्सियस स्टेट में आ गए थे अनकॉन्शियस स्टेट में आ गए तो मतलब यहाँ पे क्लोराइड चैनल का भी कुछ ना कुछ रोल हो रहा है यहाँ पे क्लोराइड चैनल का रोल नहीं हो रहा है यहाँ पे सिर्फ हमारे सोडियम चैनल का ही रोल हो रहा है सिंपल सीजर जो होगा वो ट्वेंटी से सिक्सटी सेकंड तक होगा और यहाँ पे कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस होती है कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती है कॉम्प्लेक्स में हमारे पास इंडिविजुअल अनकॉन्शियस हो जाता है कॉम्प्लेक्स के केस में ये हमारे पास सिंपल के केस में कॉन्शियस रहेगा कॉम्प्लेक्स के 30 सेकंड 30 से लेकर ट्वेंटी टू मिनट्स तक ये पूरे हमारे सीजर की ड्यूरेशन होती है सो आई होप आपको ये पूरा सीजर का जो एक इंपॉर्टेंट चीज है इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है क्लियर आउट हो गया होगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन टाइप दैट इज देट इज लेस देन अ मिनट तो हमारे पास क्या हो गया आंसर माओक्लॉनिक सीजर क्यों है माओक्लॉनिक सीजर देखिए माओक्लॉनिक सीजर ऑल्सो कॉल्ड अ शॉक लाइक सीजर जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो कि, कि किस तरीके से शॉक आ रहा है इस लड़की को तो मतलब की इसमें आपको शॉक लाइक मूमेंट मतलब बहुत ही कम सेकेंड के लिए लेस देन अ सेकेंड जो हमारे पास सिंपल और पार्शियल सॉरी सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर था वो थर्टी मतलब की एक मिनट तक उसकी ड्यूरेशन रहती थी, थी लेकिन यहाँ पे पूछा गया जिसका लेस देन अ सेकेंड है ड्यूरेशन तो उसका आंसर है हमारे पास मायाक्लॉनिक सीजर क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं लिप स्मैकिंग मूमेंट्स सीन इन अभी डिस्कस किया था हमने

ट्वेंटी सेकेंड से लेके वन मिनट तक रहेगी अगर इतने ड्यूरेशन के लिए है तो हम शोकलक नहीं बोलते शॉकलैक की कंडीशन क्या है कि उसको लेस देन वन सेकंड से भी कम होना चाहिए जैसे आपको कभी शॉक लगा है एक सेकंड से भी कम के टाइम में दुनिया हिल जाती है बंदे की जैसे जेठालाल को लगा था एक वैसे ही चीजें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में हमारे पास अनकॉन्शियसनेस होगी ये इंपॉर्टेंट चीज है सिंपल पार्शियल में कॉन्शियसनेस होती है कॉम्प्लेक्स uh, पार्शियल में अनकॉन्शियसनेस होती है अराउंड टू मिनट्स के लिए रहती है और हमारे पास बेसिकली ये ऑफन जो मूवमेंट्स होती है जैसे uh, हाथ को जोर uh, जोर जो से हिला रहा है या फिर वाइब्रेटरी मूवमेंट्स हो रही है लिप्स मैक लिप्स को uh, मतलब एक तरफ से लिप्स को एकदम से काट रहा है ऐसे नॉर्मल टाइप की हमें मूवमेंट्स देखने को मिलती है और इनकी जो ड्यूरेशन रहती है वो बीस सेकंड से एक मिनट तक रहती है क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर था ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स क्वेश्चन नंबर फिफ्ट है फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज इन एपिलेप्सी टू प्रोलॉन्ग सोडियम चैनल इन एक्टिवेशन आंसर है ऑप्शन है हमारे पास फेनिटोइन सोडियम और फॉस्फेनिटोइन आंसर है हमारे पास फॉस्फेनिटोइन क्यों है फॉस्फेनिटोइन एक जरा से इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं हम हां जी तो हमारे पास कुछ देखिए हमारे पास ड्रग्स होगी अब हमें अगर एपिलेप्सी ट्रीट करनी है क्या ट्रीट करनी है अगर हमें एपिलेप्सी ट्रीट करनी है तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना होगा यहाँ पे ठीक है तो हमें सबसे पहले चीज क्या है कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करना होगा किसको सोडियम चैनल को वोल्टेज गेटेड लाइगन गेटेड नहीं यहाँ पे वोल्टेज गेटेड की बात करें तो सोडियम चैनल को हमें करना पड़ेगा यहाँ पे ब्लॉक तो उसकी प्रोलॉन्गेशन मतलब ब्लॉकिंग ड्यूरेशन या फिर उसको ब्लॉक करने का जो टाइम है वो बढ़ाना पड़ेगा दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी हमें गाबा रिसेप्टर से या फिर गाबा ए रिसेप्टर से हमें क्लोराइड चैनल को ज्यादा देर तक ओपन करना पड़ेगा इंक्रीज ओपनिंग ठीक है तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं हम कैल्शियम चैनल देखिए कैल्शियम चैनल दो टाइप के होते हैं एल टाइप और टी टाइप यहाँ पे हम टी टाइप पे फोकस करेंगे तो टी टाइप कैल्शियम चैनल की जो हमारे पास इनिबेशन है वो करनी होगी टी टाइप कैल्शियम चैनल की इनिबेशन करनी होगी और मूवमेंट क्या करनी होगी हमें ईपीएसपी जो न्यूरोट्री पोस्टिकोटेंशियलिटर है, के जो है उनको रोकना पड़ेगा। तो अब हमें क्वेश्चन में गया, तो अभी हम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं देखिए सोडियम चैनल्स में हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स आती है वो है हमारे पास फेनेटोइन फोस्ट सोडियम कार्बम सोडियमोजिन टोपेरामाइड और जोनसिनामाइड अब ये सारी ड्रग्स क्या करती है कि हमारे पास जो सोडियम चैनल है इस ब्लॉकिंग कर देती है मतलब कि यहाँ पे इसकी मतलब कि जो इनकी कंडीशन है अगर नॉर्मल कंडीशन में आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं ये हमारे पास चैनल्स हो गए ठीक है ये तीन कंडीशन शो

एक्टिवेट uh, होके इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है और हमारा जो सोडियम सोडियम uh, जो चैनल है वो पूरा हमारा ब्लॉक हो जाता है कुछ इस तरीके से ये आपके पास एक एरिया हो गया ये आपका दूसरा एरिया हो गया ये आपका हमारे पास इनएक्टिवेशन गेट हो गया यहाँ पर कुछ इस तरीके से

हमारे सोडियम चैनल की प्रोलॉन्ग मतलब कि उसको इनएक्टिव करने में प्रोलॉन्ग रखने में मदद कर रही है तो so, इसमें से हमारे पास

जो हमारे पास सेडेटिव हिप्नोटिक्स की MCQs है उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये गाबा को, में, मतलब मदद करते हैं क्लोराइड चैनल की या फिर आईपीएसपी जनरेट करने में इसलिए ये हमारा एक का गाबा माइमेटिक एक्शन देते हैं बेन्जोडाइजिपिन को एंटीकन्वर्जेंट में ज्यादातर यूज किया जाता है बहुत ही ज्यादा बेन्जो का यूज किया जाता है मेनली हमारे पास क्लोराजिपाम डायजिपामिपम यूज किया जाता है जिसमें से जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास

प्रोलोंग हो जाती है तो हमारे पास यहां पर आईपीएसपी ज्यादा हो जाएगा ईपीएसपी कम हो जाएगा ईपीएसपी कम होगा हो तो मसल मूवमेंट हमें कम देखने को मिलेगी अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फेनीटॉइन है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है Phenitoin हमारे पास एक हाइड्रेंटोइन क्लास की ड्रग है जिसका एक प्रोडक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से है से क्वेश्चन पूछा गया मेनली सोडियम चैनल की इनएक्टिवेशन में मदद करता है और इसका एक एंटी अरिदमिक एक्शन भी प्रोड्यूस होता है फेटोइन का जो कि हम अरिदमिया के केस में यूज कर रहे हैं देखिए अरिदमिया में भी हम बेसिकली आयन से ही आय का ही हमारे पास झोल हो रहा है यहाँ पे क्योंकि रिलैक्सेशन सारा वही चीज कर रही है आयन की मदद से

ड्रग ऑफ चॉइस अगर किसी कोई भी टाइप का सीजर है जनरलाइज टॉनिक्लॉनिक पार्शियल सीजर एप्सेंट सीजर मायोक्लोनिक सीजर कोई भी टाइप का सीजर है वेलप्रोए या फिर सोडियम वेलप्रोइ एसिड जरूर होती है उस पर्टिकुलर मेडिकेशन में हमारे पास अगर मायोक्लोनिक सीजर है तो उसमें हम ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ वेलप्रोट या सोडियम वेलप्रोट का यूज करते हैं सोडियम वेलप्रोट का कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया मतलब एडियाज कई सारे प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि एलोपेशिया हो गया आपका हेयर लॉस हो गया हेपेटोटॉक्सिसिटी काफी प्रोड्यूस होती है ये हमारी बॉडी में जो सिटीज सेंटर्स है जो कि वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्बल है उसे भी स्टिमुलेट करता है ओबेसिटी होती है, होता है जिसकी वजह से हमारे पास की भी हो जाती है, हमारे पास हो reaction, तो का अगर ये है तो वहीं पर एडवर्स रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं इसलिए हमेशा याद रखनी है सोडियम वेल्फ्रेड से अगर आपके पास एपिलेप्टिक से क्वेश्चन आए तो सोडियम आना कंपलसरी या फिर, कंपल फिर अनिवार्य ही हो जाता है क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइड रेंज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है क्वेश्चन नंबर पे आता है डीओसी फॉर डी जनरलाइज सीजर मतलब ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस जनरलाइज इज और ऑल ऑफ दी अबव आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दी दी अबव अबव क्यों है ऑल ऑफ देखिए ध्यान से आपके पास सारे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो हर टाइप के सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस है जिसमें से हमारे पास जनरलाइज टॉनिक्लॉनिक और पार्शियल सीजर्स में एकदम से सेम ड्रग्स दी जाती है ज्यादातर पार्शियल में एक एडिशन हो जाती है ऑक् कार्बोमेजीपैप की बाकी सारी ड्रग्स जो होती है वो हमारी सेम होती है कार्बोमेप वेलप्रेट और लेमोट्राइजिन एब्सेंट सीजन में हम वेलप्रोइ और इथोक्सीमाइट यूज करते हैं जिसमें हम एबसेंट सीजन सिर्फ एब्सेंट सीजन में हम, हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे इसलिए हम इथोसक्सीमाइट को दे रहे हैं नेक्स्ट है हमारे पास माइक्लॉनिक सीजर जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया कि जो हमारे पास वेल्प्रेड एसड है या फिर वेल्प्रेड रहा है वो माइक्लॉनिक सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस भी रहती है सिर्फ अगर सिर्फ हम वेल्प्रेड देखें तभी हमारा माइक्लॉनिक जो सीजन है वो ट्रीट हो जाएगा ऐसा सीजा जिसकी लेस देन अ सेकेंड भी ड्यूरेशन रहती है और हमारे पास शॉक लाइक सेंसेशन प्रोड्यूस होती है मसल मूवमेंट प्रड्यूस होती है फेबराइसी बच्चों जो की हमारे बेसिकली

क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं डीओसी फॉर इज ट्राइजेमल गाबापेंटिन और लेमोट्राइजिन आंसर है कार्बोमेजिपैम वाई देखिए एक तरीके का न्यूर ट्राइजेमल न्यूरोलजी हमारे जो ट्राइजेमल नर्व्स होती है वो हमारे फेस के थ्रू आती है जो आइस से कनेक्टेड होती है हमारे जॉस से कनेक्टेड होती है सो ये इस नर्व का मेनली अगर इस नर्व में किसी भी तरीके की डिस्ट्रप्शन हो जाए

अब प्रीवियस वीडियो से जो क्वेश्चन नंबर इलेवन था जो हम आपके लिए रखते हैं वही क्वेश्चन है यहाँ पे मैच फॉलोइंग आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्यों है बी देखिए बेनसेराजाइड विद लीवोडोपा मतलब कॉम्बिनेशन में दी जाती है कार्बीडोपा सॉरी लीवोडोपा कार्बीडोपा या बेंसेराजाइड ये हमारे पास कॉम्बिनेशन में दी जाती है कॉम्बिनेशन रहता है जिसमें 4 हो गया आपका किसका का और वन हो गया आपका किसका कार्बीडोपा या फिर बेजसेराजाइट का तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास अमेंटिडीन अमेंटिडीन एंटीवायरल ड्रग है जिसका हम यूज कर रहे हैं किसमें एंटी पाकिसन में यूज कर रहे हैं पाकिसन की ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं और ये एनएमडीए रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट भी होता है नेक्स्ट है टोल का हमारे पास क्या है एक तरीके का अब हमारे हेपेटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करिए टोलकाटर है इनबेट करता है और ये एक हिपैटोटॉक्सिक ड्रग भी होती है रेसाजिल हमारे पास माओ बी इनबेटर है सिलेक्टिवली माओ बी इनिबेटर है मोनोमाइनो ऑक्सीडेस बी इनिबेटर तो क्वेश्चन नंबर इलेवन फ्रॉम द प्रीवियस आंसर ऑप्शन नंबर बी थ्री क्यू फोर आर टू एंड एस वन क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आते हैं इस वीडियो के लिए आपके लिए क्वेश्चन है सेलेक्ट द एप्रोप्रेट स्टेटमेंट फॉर दी फेनिटोन जो भी आपका ऑप्शन आंसर है कमेंट uh, सेक्शन में जरूर आंसर को लिखिएगा नेक्स्ट वीडियो में आंसर को डिटेल में डिस्कस करेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप